हेलो फ्रेंड्स, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं मैंगडेव आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। मतलब काफ़ी टाइम से हो रहा था कि हम जीएस पे फोकस कर रहे थे, जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड वीडियोस डाल रहे थे, लेकिन अब जो आज मैं स्टार्ट करूंगा बहुत टाइम बाद, आज हम मैथ्स का ही टॉपिक लेके आ रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम को लेकर। जैसे अगर मैं बात करूँ रेलवे, SBI क्लर्क, SBI PO, ये जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, SSC आने वाला है, इन सब के लिए, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों से ज़्यादातर बच्चे करने में थोड़े असमर्थ हो जाते हैं, थोड़े हिचकते हैं, अवॉइड करते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है। तो पहले मैं टॉपिक का नाम बता देता हूँ आपको। टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूँ, क्रमचय एवं संचय। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें क्रमचय और संचय में एक चीज़ है। मतलब क्रमचय संचय थोड़ा टफ लगता है समझ में, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं परम्यूटेशन, जिसका मतलब होता है हिंदी में क्रमचय, और कॉम्बिनेशन जिसका संचय। अच्छा, परम्यूटेशन होता क्या है एक्चुअली? तो देखिए, अगर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखा है ABC और D, ठीक है। अब इस वर्ड में जो भी ये मैंने लिखे है, इनमें कुछ चार अल्फाबेट है। अब इनको इसी में कितने तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग तरीके से क्या कर सकता हूँ, जमा सकता हूँ या व्यवस्थित कर सकता हूँ या रीअरेंज कर सकता हूँ, कितने तरीके से और कितने, मतलब किसी भी, कुछ या सभी को लेकर, कुछ या सभी अल्फाबेट्स को लेकर। जैसे कि मुझसे बोला जाए AB को, किसको, AB को मुझे अरेंज करना, तो भाई मैं AB BA। अगर मुझे बोला जाए किन्हीं दो शब्दों को लेकर, किन्हीं दो अल्फाबेट्स को लेकर, तो देखिए BA कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित कर सकता हूँ, मुझे किन्हीं दो को करना है अरेंज। मतलब मेरा यहाँ पर क्या हो गया, AB BA, ठीक है। उसके बाद AC CA, फिर AD DA। मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ यहाँ पर अरेंजमेंट की, ठीक है, कितने तरीके से रीअरेंज कर सकता हूँ किन्हीं दो, कोई भी दो लेकर। पहले मैंने A के साथ अरेंज कर दिया, अब BC अगर मैं देखूँ, BC अगर आप देखो यहाँ पर, फिर BD, ठीक है, BC हो गया आपका, BD हो गया आपका, CB DB। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ, ये तो आपका हो गया, अब CD DC। तो यहाँ पर हमने जितने तरीके से, मैं किन्हीं दो, क्या बोला मैंने आपको, यहाँ पर मैं दो अल्फाबेट्स लूंगा, कोई भी दो अल्फाबेट्स, मुझे इनमें से क्या करना है, दो अल्फाबेट्स को रीअरेंज करना है। मतलब मुझे दो ऐसे अक्षर चुनने हैं, कोई भी अक्षर चुनने हैं, और उनको क्या करना है, रीअरेंज। तो कितने तरीके से किया जा सकता है, देखो भाई, AB का कॉम्बिनेशन हो सकता है BA का हो सकता है, फिर AC का हो सकता है, CA का हो सकता है, AD का हो सकता है, DA का हो सकता है, फिर BC BD CB। ये मैंने आपको बना के बता दिया यहाँ पर ही क्या बना है, बना के बता दिया। अगर कहा जाए दो, फ्रेंड्स मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपका आता है उसमें आपको सभी के सभी क्या बोलते हैं, आपको कोई वर्ड दे देंगे, बोलेंगे इसको रीअरेंज करो, इसको क्या करो, रीअरेंज करो, कितने तरीके से ऐसे रीअरेंज किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है, तो उसमें पूरे करने रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर ABC मुझे दिया गया है, ठीक है, तो अब मुझे ABC को रीअरेंज करना था, अब कितने तरीके से कर सकते हैं, तो एक हो सकता है भाई ABC तो हो गई, ठीक है। अब मैं B को आगे कर देता हूँ, A को बीच, फिर B को ही आगे रहने दो, A को लास्ट में कर दिया, अब C को आगे, B को बीच में, फिर तो आप क्या देख सकते हैं, अब A, फिर जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी यहां पर मैंने उस तरीके से इसे रीअरेंज कर लिया है। तो यहां पर क्या लिया है हमने, अगर देखें ABC, देन BAC, फिर BCA, CBA, CAB एंड ACB। तो ये यहाँ पर क्या किया गया है, रीअरेंज किया गया है। तो ये मैंने आपको रीअरेंज करके बताया, तो इसका मतलब क्या होता है, अल्फाबेट्स को ही आगे पीछे करके रीअरेंज करना, दैट इज परम्यूटेशन। लेकिन हम एग्जाम में ऐसे थोड़ा ना करते जाएंगे कि मैं ऐसे अरेंज करता रहूँ, भाई सी को आगे ले लिया, फिर ए बीच में, जितने कॉम्बिनेशन मतलब परम्यूटेशन में मैं जितने तरीके से रीअरेंज कर सकता था मैंने बना लिया। लेकिन मुझे ये ध्यान देना है कि अब मैं इसे शॉर्टकट कैसे करूँ। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, उससे पहले आपको क्या आना चाहिए, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है हम देख लेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला NPR, ठीक है। यहाँ पर क्या है NPR, तो यहाँ पर जो NPR है
अगर मैं बराबर में लिखूं यहाँ पर तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल r। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, आपको बस समझना है इसको। ये जो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है इसे समझने की ज़रूरत है। तो इसमें फैक्टोरियल क्या, फैक्टोरियल कैसे, जैसे कि मैंने ले लिया अब n की जगह पर ले लिया 5, ठीक है। अब फैक्टोरियल कितना हो जाता है, 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा, आप 5 से कहां तक ओपन कर दो, मल्टीप्लाई कर कर 1 तक, 5 × 4 × 3 × 2 × 2 × 1। अगर मैं बोलूं फैक्टोरियल 7 तो आप क्या करोगे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 7 से कहां तक चले आओगे आप, 1 तक। तो आपको ये डिटेलिंग समझ में आ रही होगी, आई होप, मैं उम्मीद यही रखता हूं। और अगर ये जो मैं क्लास में समझा रहा हूं आप अच्छे से फीड कर लोगे तो आप कभी भी परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो ये जो था फैक्टोरियल का मतलब आपको मैं समझा चुका हूँ, ये हमें हर जगह यूज होने वाला है इसलिए। अब अगर मैं ये लिखूँ एक क्वेश्चन के तौर पे, भाई यहाँ पर n क्या है, तो भाई ये होता है आपका नंबर ऑफ अल्फावेट्स, ओके। आपके क्या नंबर ऑफ अल्फावेट्स किसमें भाई, इन दी जो भी आपको स्पेलिंग दी गई है या जो भी वर्ड दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। अब उसके बाद आपका क्या रहेगा, अब जो आर है, ठीक है, तो आपको आर क्या रहता है, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब कितनों को रीअरेंज करना है, 2 को करना है, 3 को करना है, 4 को करना है, तो आपको कितने उसमें से अल्फाबेट को, तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स टू बी रीअरेंज्ड, मतलब ये क्या होगा, जिनको रीअरेंज करना है वो आर से रिप्रेजेंट होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है, एन और आर बराबर हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि पूरे का पूरा वर्ड ही आपको रीअरेंज करने को दे दिया जाता है। अब मैं लूंगा एक एग्जांपल जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा है यहां पर 7P5, कितना लिखा है दोस्तों यहां पर 7P5। अब मुझे ये सॉल्व करना, अब मेरे को 7P5 दिया गया है, इट मीन्स कि मेरे जो नंबर थे टोटल कितने थे, जो भी वर्ड दिया है या मुझे कोई नंबर दे दिया गया 7, उसमें से कितनों को रीअरेंज करना है, 5 को, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो आर आपका 5 है और एन आपका 7। तो दोस्तों देखेंगे अब फैक्टोरियल 7, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं बस उसी को आपको फॉलो करना है, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पर कितना बचा, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो आपको इसे इस तरीके से सॉल्व करना था कि आप इजीली आंसर ला पाओ यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और यहाँ 2 × 1, यहाँ पर क्या होता है आपका 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल, अब आपका बचा हुआ आंसर रहेगा 7, 6, 42, 42, 5, 210, 210 का 4 टाइम्स करोगे आप कितना आएगा 840 का आप जब 3 में करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 252, 252, 0, तो आपका आंसर क्या 2520 फ्रेंड्स। तो यहां पर जो आपका आंसर निकल के आया है वो काफ़ी हद तक मैटर किस पे करा दोस्तों, मैटर करा है कि जो हमको दिया गया है उसके हिसाब से हम यहाँ पर रीअरेंज कर दें। तो अगर मैं इसे नॉर्मल भी सॉल्व करता तो भी ये हो जाता। अब यहाँ पर देखो आपको समझने की ज़रूरत क्या है, जैसा मैंने आपको बोला एज इट इज़ आप समझ गए। अब इसके बाद इसे और शॉर्टकटली हम कैसे करेंगे, मतलब अब मैंने फॉर्मूले में क्या बोला था आपको एन माइनस आर, इसे आपको भूल जाना है, सिर्फ इतना याद रखो, लेकिन ये फैक्टोरियल n का मतलब तो पूरा खोलना होता है, आपको पूरा ओपन नहीं करना आपसे। जैसे ये 7p5 ही था ना आपके सामने, ऊपर सॉल्व किया है मैंने, कुछ मत करो 7p5, तो मतलब आप 7 को कहाँ तक खोलो, 5 अंकों तक बस, और कुछ नीचे का भूल जाओ। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप देखो 7p5, अब फैक्टोरियल ओपन करो लेकिन कहाँ तक, 5 आपके नंबर्स काउंट कर लो आपकी, 5 भाई मेरे अंक हो चुके हैं, संख्या हो चुकी है। जैसे 7 के बाद क्या आएगा 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, तो यहाँ पर 7, 1, 2, 3, 4, 5, मैंने 2 तक नहीं ओपन किया ना, मैंने नीचे n माइनस आर लिखा है, तो यहाँ पर 7, 6, 42, 42, 5, 210, 210 का करा 840, 840 का 3 में करा तो 252,
0, वही आंसर आया है एक ही स्टेप में। तो आपको यहां क्या समझना है, आपको यही समझना है कि हम कैसे परम्यूटेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। परम्यूटेशन कैसे, देखो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। अगर मैंने यहां पर लिखा है 6p4, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहां पर कुछ नहीं करना है, मैं शॉर्टकट और नॉर्मल दोनों मेथड बताऊंगा आपको, आपको फंडा समझ में आएगा क्यों मैं नीचे का बोल रहा हूं। देखो 6, अब आपको ऊपर फैक्टोरियल 6 रहता तो पूरा ओपन कर देता हूं आपके लिए, मैं पहले 1 तक ओपन कर दिया, नीचे क्या रहता है 6 - 4, फैक्टोरियल 6 - फैक्टोरियल 4, तो बचता कितना फैक्टोरियल 2। यहां पर क्या हुआ 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और नीचे क्या बचा फैक्टोरियल 2, जिसका मतलब होता है 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल। अब आपका 6 × 5 = 30, 34 = 120, 123 = 360, तो आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों यहां पर 360। तो आपको क्या देखना है यहां पर, आपको ये मेजर करना है कि हमने ये नीचे यूज किया, फिर उसका आप ये ध्यान रखो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि 4 तक बोला तो 4 तक, जैसे आपको जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं इसी में समझा रहा हूं, 6p4 मतलब फैक्टोरियल तो हमने 1 तक ओपन किया, नहीं हमको क्या करना है 6 से नीचे सिर्फ कितने अंक तक काउंट करना है, कितनी संख्या ही काउंट करनी है, 4, 6 के बाद 5, 4, 3 यहां पर एंड कर दो, क्योंकि आपको भी दिख रहा है ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, कहां तक का यूज हुआ 3 तक का। तो अब मैं इसको करके बता रहा हूं आपको, 6p4 6 × 5 × 4 × 3, 6p4 कितने अंकों तक ओपन किया मैंने, 4 तक, और आपका आंसर 6 × 5 = 30, 34 = 120, 123 = 360। तो ये तो थी मेरी आज की परम्यूटेशन को लेके बेसिक क्लास। आने वाले लेक्चर में मैं आपके साथ कई वेरिएशन के जो क्वेश्चन हो सकते हैं परम्यूटेशन के वो शेयर करूंगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और जिन्होंने अब तक नहीं किया है वो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। चलिए आने वाली क्लासों में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.